वेलकम फ्रेंड्स, आज की जो अपनी जो क्लास होगी उसमें हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि जो सेंटेंस जो होता है उसे हम हिंदी में कहेंगे वाक्य। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य अपने मनोभाव को या फिर अपनी बातों को व्यक्त करने वाले पद समूह होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं। अर्थात मनुष्य की भावनाओं को पूर्णतया व्यक्त करने वाले जो पद समूह होते हैं या फिर शब्दों के जो समूह होते हैं उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। अर्थात इंग्लिश में देखते हैं तो द टर्म्स विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ द मेन थॉट्स आर कॉल्ड सेंटेंस। इसका वही अर्थ होगा कि मनुष्य की भावनाओं को पूर्णतया व्यक्त करने वाले पद समूह या फिर शब्दों का समूह उसे हम कहते हैं वाक्य या सेंटेंस, उन्हें हम कहते हैं। जैसे जिस उदाहरण के माध्यम से हम ये बात समझते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि राम खाना खाता है, तो अर्थात कि राम इट्स फूड, ये एक वाक्य हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। जैसे मैं खेल रहा हूँ, यानी आई एम प्लेइंग, तो ये एक सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से ये सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस जो होते हैं उनको अलग अलग प्रकार में भी बांटा गया है। सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे वो होते हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है उसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो प्रकार होगा उसे कहेंगे अपन पॉजिटिव। पहला जो सेंटेंस का अर्थात वाक्य का जो प्रकार होता है उसे कहेंगे हम पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम एफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सकारात्मक। इसका अर्थ हो गया सकारात्मक। अर्थात जो पॉजिटिव या एफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उसमें कार्य जो होता है वो पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह खेल रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट। जैसे दे आर प्लेइंग। तो इस प्रकार से जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें कार्य पूरा होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। एक और एग्जांपल, जैसे सीता गाना गा रही है, तो सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में कार्य पूरा होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। और सेकंड जो प्रकार होगा उसे कहेंगे अपन नेगेटिव। सेकंड जो सेंटेंस होंगे उन नेगेटिव कहेंगे। नेगेटिव का मतलब हो गया नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में कार्य पूरा नहीं होता है। जैसे कि
तीसरा वर्ड देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें हम नॉट का यूज करते हैं। नॉट का यूज इन सेंटेंसों में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नॉट का यूज किया, जैसे दे आर नॉट प्लेइंग, अर्थात वे नहीं खेल रहे। जैसे सीता इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, सीता जो है वो गाना नहीं गा रही है। तो इस प्रकार से निगेटिव में नॉट का यूज होता है और वाक्य पूरा, वाक्य के अंदर कार्य पूरा नहीं होता है। थर्ड जो सेंटेंस का प्रकार होगा वो होगा हमारे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को कहेंगे अपन प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव जैसे इंट्रोगेटिव को कहेंगे अपन प्रश्नवाचक, और ये जो इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं इनमें वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें हमेशा ध्यान देने योग्य बात होती है कि जितने भी इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं उनमें हमेशा इस इंट्रोगेटिव मार्क का यूज होता है। ठीक है, जैसे जैसे कि वही एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं। और नेक्स्ट होगा जैसे कि इज सीता सिंगिंग सॉन्ग, अर्थात क्या सीता गाना गा रही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंट्रोगेटिव मार्क का यूज किया जाता है। फोर्थ जो प्रकार है उसे कहते हैं अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। चौथे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वाक्य में उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी नकारात्मक रूप से, जैसे कि क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है और नहीं भी लगाया गया है, अर्थात नोट का भी यूज हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, लास्ट में इंटरगेटिव मार्क का यूज हुआ है। एंड जैसे ही आर दे नॉट प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे हैं। तो इसमें नकारात्मकता का रूप लिया गया है, नॉट का यूज किया गया है। जैसे इज सीता नॉट सिंगिंग सॉन्ग, क्या सीता गाना नहीं गा रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि जो सेंटेंस जो है उनके चार प्रकार होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव, अर्थात सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब हम जानते हैं कि ये तो चार प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव, इनको बनाने के लिए भी हमें फॉर्मूले यूज में आते हैं, और इसके लिए हमारे सेंटेंस एलिमेंट्स का यूज होता है। अब सेंटेंस एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके पहले मैं आपको इनके फॉर्मूले बता देता हूँ। जो पॉजिटिव जो सेंटेंस अपन बनाते हैं उसमें हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं आमतौर पर, और नेगेटिव में क्या करते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर हेल्प वर्ब के और मेन वर्ब के जस्ट बीच में हम नॉट का यूज करते हैं, इससे वह नेगेटिव हो जाता है। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब पे सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब पे ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं, जिससे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और फोर्थ है
इंट्रो नेगेटिव, इसमें हम हेलो वर्ब को तो आगे रखते ही हैं, बट यहाँ पर हम बीच में नॉट का यूज करते हैं इसे नेगेटिव करने के लिए, और लास्ट में इंट्रोगेटिव वर्ब तो लगाना होता ही है। तो इस प्रकार से ये चारों फॉर्मूले जो होते हैं वो चारों सेंटेंस को बनाने में यूज में आते हैं। अब जो सेंटेंस एलिमेंट्स है, सेंटेंस एलिमेंट्स है उसके बारे में, अर्थात कि ये चारों, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ क्लास को पूरी अटेंड कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास को जरूर जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू, बाय।